दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रविवार 25 जुलाई को भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने बड़ा ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाया। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के शिखर धवन ने इस मुकाबले में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से सभी प्रशंसकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। तो चलिए बताते हैं आपको उनकी इस पारी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शिखर धवन और पृथ्वी शो में से कौन बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों बता दें रविवार 25 जुलाई को भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों बता दें पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, उनके दिन की शुरुआत किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खराब रही। बता दें भारतीय टीम को पहला झटका पहली गेंद पर पृथ्वी शो के रूप में एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। बता दें चमीरा ने बड़ी घातक गेंद डाली जो कि पृथ्वी शो के बल्ले के किनारे को छूकर कीपर के दस्ताने में जा फंसी और पृथ्वी शो को अपने पहले T20 मुकाबले में 0 के स्कोर पर पेविलियन की ओर रवाना होना पड़ा। दोस्तों बता दें पहले विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की पारी संजू सैमसन ने कप्तान शिखर धवन के साथ पारी को अपने कंधों पर संभाला। इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शुरुआती झटके का इन दोनों खिलाड़ियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इन दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच तालमेल काफी ज्यादा शानदार नजर आ रहा था। जिस तरीके से संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय टीम को पावर प्ले में एक जबरदस्त शुरुआत मिलेगी और भारतीय टीम का स्कोर 50 के अधिक जा सकेगा। दोस्तों बता दें पावर प्ले खत्म होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 51 रन पर 1 विकेट था। लेकिन फिर तभी पावर प्ले खत्म होते ही संजू सैमसन भी पवेलियन की ओर रवाना हो गए। लेकिन भारतीय कप्तान शिखर धवन के ऊपर इन विकेटों का कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर क्लास लगा रहे थे। वो एक के बाद एक जबरदस्त शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो बड़े ही आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर उतरे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा रन बटोर कर एक पहाड़ समान स्कोर श्रीलंका के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। बता दें शिखर धवन ने अपने डेब्यू बतौर कप्तान T20 मैच में बड़ी जबरदस्त पारी खेली। उन्होंने 36 गेंदों में 46 रन की धुआंधार पारी खेली और ऐसा करके उन्होंने अपने डेब्यू बतौर कप्तान मैच में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोस्तों बता दें आज तक किसी भी भारतीय कप्तान ने अपने बतौर कप्तान डेब्यू मैच में इतना अधिक स्कोर नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या शिखर धवन अपने ऐसे ही जबरदस्त फॉर्म के चलते T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।